7 अगस्त से शुरू हुए सोनी टीवी के लोकप्रिय शो कौन बनेगा करोड़पति में 14वें सीजन को अपना पहला करोड़पति मिल गया है। 1 करोड़ की धनराशि को अपने नाम करने वाली महिला का नाम है कविता चावला। 45 साल की इस महिला ने अपने ज्ञान के दम पर यह मुकाम हासिल किया है। कल तक एक आम जीवन जीने वाली महिला आज खास हो गई है और आज पूरे हिंदुस्तान को उनका नाम पता चल गया है। बीबीसी से बात करते हुए कविता चावला ने कहा कि उन्हें बचपन से ही पढ़ाई से प्रेम था, लेकिन वो जिस जगह से आती हैं, वहाँ महिलाओं को 10वीं तक पढ़ा लें वो ही बहुत है, लेकिन उनकी जिद के चलते उनके घर वालों ने उनको 12वीं तक पढ़ने की इजाज़त दे दी। वो अपने 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी हैं। घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए उनकी माँ सिलाई का काम करती थी। अपनी माँ के काम में हाथ बटाने के लिए वो भी सिलाई का काम किया करती थी। फिर उनकी शादी हो गई और वो घर के कामों में व्यस्त हो गई, लेकिन उन्होंने पढ़ना नहीं छोड़ा और वो अपने बेटे को पढ़ाने के चक्कर में खुद भी पढ़ने लगी। बेशक वो कॉलेज नहीं गई, लेकिन उन्होंने किताबों से दोस्ती कर ली, जिसका नतीजा आज निकला है। कविता चावला ने कहा कि वो बचपन से केबीसी देखती आई हैं और उनका सपना था कि वो एक दिन हॉट सीट पर बैठें और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से बात करें, और 21 साल और 10 महीने के इंतजार के बाद उनका ये सपना पूरा हुआ है। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट तक तो पहुंची थी, लेकिन साथ ही उन्होंने एक खास बात भी बताई और वो ये कि वो पिछली बार फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट तक तो पहुंची थी, लेकिन हॉट सीट तक नहीं आ पाई थी। उन्होंने कहा कि एक गृहिणी को कमतर आंकना सबसे गलत है। जो लोग ऐसा सोचते हैं वो गलत सोचते हैं। एक हाउसवाइफ ही घर को संवारती है, उनका काम बहुत ज्यादा टफ है। मुझे गर्व है कि मैं एक हाउसवाइफ हूं। इसके साथ ही उन्होंने शो के होस्ट अमिताभ बच्चन की दिल खोल कर तारीफ की और कहा कि उनसे मिलना मेरे जीवन के ना भूलने वाले पलों में से एक है। अपनी जीती रकम के बारे में कविता ने कहा कि उन्होंने केवल अभी तक अपने पति और बेटे को इस बारे में बताया है। मैं चाहती हूं कि इस बारे में मेरे रिश्तेदारों को टीवी शो के जरिए ही पता चले। वो जीती हुई धनराशि से अब इंडिया घूमना चाहती हैं। वो मेघालय जाने की इच्छा रखती हैं। वो चेरी ब्लॉसम त्योहार का लुत्फ उठाना चाहती हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि वो इस पैसे का कुछ हिस्सा अपने बेटे की पढ़ाई में खर्च करेंगी।